हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न वर्कशीट 60 क्लास एट प्रखर इंग्लिश वर्कबुक। कॉम्पिटेंसी के अभी आइडेंटिफाइज कंजक्शन अप्रोप्राइटली, राइट द सेंटेंसेज यूजिंग करेक्ट कंजक्शन। आपको कंजक्शन का प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़ना है, लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, अभी वाक्य के अर्थ के हिसाब से आपको कंजक्शन का यूज करना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू हैव कॉफी, आई वॉन्ट टू हैव टी। यहाँ पर क्या है भी, मैं ही कॉफी पसंद करता हूँ, मैं क्या करता हूँ भी, चाय पसंद करता हूँ। इसमें एक तो कॉफी ऑब्जेक्ट है, इसमें टी ऑब्जेक्ट है। दोनों सेंटेंस यहाँ तक क्या है भी सेम है, तो इनको लिखो। पहले आप दोनों सेम है वहाँ तक लिखें, आई वॉन्ट टू हैव इतना लिखेंगे, फिर कॉफी लिखेंगे, फिर दोनों वक्त दो शब्द हैं उनको जोड़ने के लिए आप एंड का प्रयोग करेंगे और फिर टी लिखेंगे, कॉफी एंड टी। इस प्रकार आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए भी, पहला सेंटेंस है आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, आई लॉस्ट द मैच, मैंने मैच खो दिया। अब ऐसा प्रश्न पूछोगे आप कि आप खुश क्यों नहीं है, तो आपका उत्तर होगा क्योंकि मैं मैच हार गया। तो क्योंकि के लिए क्या आता है भी, बिकॉज का प्रयोग होता है, बिकॉज कंजक्शन आएगा। आप लिखोगे आई एम नॉट हैप्पी, या लिखेंगे बिकॉज, या लिखेंगे भी बिकॉज। ये जो फुल स्टॉप है यहां पर क्या लिखेंगे, बिकॉज। अब लिखेंगे आई लॉस्ट द मैच। इस प्रकार आपको कंजक्शन का यूज करना है। सेकेंड सेंटेंस है, राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, इट इज रेनिंग। राम है वो फुटबॉल खेलना चाहता है, परंतु क्या हो रही है भी, बरसात हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या लगेंगे भी, परंतु बट का यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल बट, परंतु इट इज रेनिंग। यहां पर इट में क्या लिखेंगे भी, आई स्मॉल लिखेंगे, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। अब अगला है, सीमा इज गोइंग टू मार्केट, टू द मार्केट, सपना इज गोइंग टू मार्केट। अब सीमा भी मार्केट जा रही है, सपना भी मार्केट जा रही है, इसमें क्या है भी, कर्ता तो अलग अलग है, सीमा इसमें कर्ता है, इसमें सपना है, और काम दोनों एक कर रही हैं। तो ये सेंटेंस भी किसे जुड़ेगा भी, जब जब दो वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों तो आप एंड से जुड़ेंगे। अब जब दो वाक्यों के ऑब्जेक्ट भी क्या हों भी अलग अलग हों, जैसे यहाँ पर क्या है भी, टी और कॉफी अलग अलग थे और वाक्य सेम था, कर्ता एक ही था, तो आपने एंड का प्रयोग किया। यहाँ पर भी आप एंड का प्रयोग करेंगे, पहले क्या लिखेंगे भी, जब कर्ता अलग अलग हों तो क्या लिखेंगे भी, सीमा लिखेंगे पहले वाक्य कर्ता, फिर आप क्या लगेंगे भी एंड, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे सपना। अब इतना थोड़ा ध्यान रखना, सीमा एंड सपना अब क्या हो गए भी, पहले तो एक वचन थी, अब दो कर्ता एंड से जुड़ने पर वो हो जाते हैं बहुवचन, तो इज की जगह क्या आएगा भी, आर आएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है, आर गोइंग और सेम का सेम लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहां पर क्या है भी, इज चेंज हो जाएगा आर में, क्योंकि पहले सपना और सीमा एक वचन करता थी, अब दोनों एंड से जुड़ गए तो ये प्लूरल हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अगला सेंटेंस है, यू कैन ईट एप्पल, तुम एप्पल खा सकते हो, यू कैन ईट ऑरेंज, तुम संतरा भी खा सकते हो। अब देखिए भी यहाँ पर सेम है दोनों सेंटेंस, ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंस के अलग अलग हैं, तो एंड का प्रयोग करेंगे कैसे भी, पहले पहला जहाँ तक वाक्य दोनों सेम है वहां तक पहला वाक्य लिखें, You can eat, पहला वाक्य पूरा लिखेंगे एप्पल, फिर यहाँ फुल स्टॉप की जगह जोड़ेंगे भी एंड जोड़ेंगे। अब क्या है भी, यू कैन ईट ये दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ये लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा हुआ शब्द है ऑरेंज, जो कि ऑब्जेक्ट है, ये लिख दो, यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंज। इस प्रकार आपको बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस में अगर सेम सेंटेंस हो तो दोबारा लिखने की उसको आवश्यकता नहीं है। माई ब्रदर जी, मेरा भाई क्या है भी, युवा है,
मेरे पिताजी क्या है अभी बूढ़े। अब यहाँ पर क्या है अभी कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, एक में क्या अभी जवान है, एक में क्या अभी बूढ़ा है, तो विरोधाभास को दर्शाने के लिए बट का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है अभी बट का, तो यहां लिखा हो माई ब्रदर इज यंग बट परंतु माई फादर इज ओल्ड, मेरे पिताजी क्या हैं अभी ओल्ड हैं, माई फादर इज ओल्ड। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, मैं स्टोरी पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू रीड नॉवल्स, मैं नॉवल पढ़ना पसंद करता हूँ। इसमें भी देखो अभी यहाँ तक सेंटेंस सेम है और ये कर्ता क्या है अभी अलग अलग है, तो पहला सेंटेंस पूरा लिखेंगे फिर फुल स्टॉप एंड लगाएंगे फिर ये बचा हुआ शब्द लिख देंगे एंड से जुड़ेगा ये भी। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, फिर क्या लगाएंगे भी एंड यूज करेंगे फिर लिखेंगे नॉवल्स, क्योंकि यहां पर हमने ये पहले यूज कर लिया सेंटेंस। वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन, वी कैन गो टू रांची बाई बस, हम रांची ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं, हम रांची बस के द्वारा जा सकते हैं। अब देखो भी यहां पर कर्ता दोनों के सेम है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है भी बाई ट्रेन बाई बस, ये क्या है भी अलग है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे पहला सेंटेंस पूर्ण लिखेंगे वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन, फिर क्या लगाएंगे भी हम एंड यूज करेंगे बाई बस। प्रिय विद्यार्थियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक ध्यान रखना आप ये वर्कशीट है इसको पूरा करना ही आपका लक्ष्य नहीं है, आपका मुख्य लक्ष्य है इसको सीखना है, तो आप ये नहीं कि आप इसने जल्दी जल्दी आपने कंप्लीट किया और छोड़ दिया होमवर्क हो गया, नहीं इसको आप सीखो क्योंकि ये सेंटेंस बार बार आपके कक्षा 12 आगे लंबे समय तक आएंगे तो आपके कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए भी, सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे, सिमरन है वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है क्योंकि वह कल बरसात में खेली थी। अब यहाँ पर क्या है भी अच्छा महसूस क्यों नहीं कर रही है, क्यों का जवाब होगा क्योंकि वह बरसात में खेली थी, क्योंकि के लिए बिकाऊ जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे भी सिमरन है वो सेम का सेम लिखेंगे यहाँ तक वेल तक फुल स्टॉप जगह क्या करेंगे भी बिकॉज यूज करेंगे, और दूसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे भी सेम का सेम लिखेंगे धन्यवाद।